हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जीके ट्रिक प्रो फ्रेंड्स। और सभी को जय श्री राम। जो भी दोस्त हमारा वीडियो देख रहा है, सबसे पहले आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है फ्रेंड्स। और आज बात करने वाले हैं हम राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2024 को लेकर। आपकी ये राजस्थान की होमगार्ड भर्ती 2023 में आप लोगों ने अप्लाई किया था 3842 पदों पर, और इसका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है, और इसका क्या रीजन है और कब से आपका फिजिकल हो रहा है, सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका जो होमगार्ड का फिजिकल था वो राजस्थान पुलिस के फिजिकल के साथ होना था, लेकिन फ्रेंड्स राजस्थान पुलिस का तो फिजिकल हो चुका है और अब उनके एग्जाम बाकी है, लेकिन अभी तक होमगार्ड भर्ती का फिजिकल नहीं हुआ है और फिजिकल की डेट जारी हो चुकी है। उससे संबंधित हम वीडियो देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती का जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात आ चुकी है। अभ्यर्थी लंबे समय से राजस्थान होमगार्ड भर्ती फिजिकल एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। जो भी दोस्त अगर राजस्थान होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहा है, रेगुलर तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका ये लोकसभा का चुनाव के कारण आपका जो राजस्थान होमगार्ड का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया था। लेकिन एक बार थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फिजिकल से रिलेटिव। कई दोस्तों का मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर एक बार फिजिकल से संबंधित एक वीडियो लिख रहा है, और उसमें हम आपको बता देते हैं पुरुष वर्ग के लिए बता रहे हैं, पुरुष वर्ग के लिए बता रहे हैं हम 1000 मीटर की आपकी दौड़ होगी, और उसमें भी आपको टाइम दिया गया है, यानी आपके पास ऑप्शन है अच्छे नंबर लाने के। आपको 3 मिनट 40 सेकंड में अगर आपने 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर दी है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। लेकिन आपका फिजिकल अच्छा है और 3 मिनट और 20 सेकंड में आपने अगर रेस कंप्लीट कर दी 1000 मीटर की तो आपको 23 अंक मिलेंगे। अगर उससे भी अच्छा अगर आपका फिजिकल है तो आपको 3 मिनट और 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर दी तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो ये अच्छा मौका है फिजिकल से संबंधित, इतने अगर आपने रेस कंप्लीट कर दी है सही टाइम पर तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। राजस्थान होमगार्ड की भर्ती के लिए 2024 के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी जरूरी है? पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेमी और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेमी होना जरूरी है, यानी ये आपकी हाइट है और यह हाइट आपकी होनी चाहिए। फिजिकल के टाइम आपकी हाइट है वहां पर नापी जाएगी फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, यानी जो आपका फिजिकल है उससे संबंधित, क्योंकि कई दोस्तों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर फिजिकल कब तक होगा, होगा या नहीं होगा, तो उसी से संबंधित हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान होमगार्ड फिजिकल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और जैसे ही 4 जून को लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद 10 जून से आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी आपका फिजिकल नहीं होगा, यानी मई के महीने में तो आपका बिल्कुल भी फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होने की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, 4 जून को जैसे ही लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद में आपका 10 जून से आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होने लग जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जो भी दोस्त अगर होमगार्ड वैकेंसी की तैयारी कर रहा है राजस्थान की, तो वह जरूर अपना फिजिकल करता रहे। साथ में अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और प्राप्त करनी है और राजस्थान होमगार्ड फिजिकल से संबंधित और कुछ पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर एक ग्रुप भी है, इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड्स। तो 8058813375 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी दोस्त अगर जुड़ना चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको इस ग्रुप में राजस्थान होमगार्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।